भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए धनबाद सांसद पीएन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अपनी चुनावी तैयारी कर ली है। वहीं उन्होंने कहा कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र तथा राज्य की सरकार ने काम किए हैं। जितने आंतरिक तथा बाहरी चुनौतियाँ थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसका निदान करने में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी रात दिन अपनी बातों को जनता के बीच रखने का काम किए हैं। प्रत्याशियों के सभी जगह मतदाताओं ने भव्य स्वागत किया है। 5 वर्ष के क्रियाकलापों को देखते हुए मतदाताओं ने अपनी सहमति भारतीय जनता पार्टी को प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सभी सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि देश हित में एक एक कानून बनाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। वहीं सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम के नज़र में धनबाद है। पीएम के आने के बाद धनबाद की जनता का विश्वास और भी बढ़ा है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जितने साल कांग्रेस ने देश पर राज किया, अगर वो जनता के बारे में सोचती तो आज देश में गरीबी नहीं रहती। गरीबों की संख्या, बेरोजगारी की संख्या को कांग्रेस ने बढ़ाया है। उन्होंने कहा जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी से भारतीय जनता पार्टी का सोचने का तरीका अलग है। जनता पार्टी चुनावी तैयारी क्या की है? हम जनता के बीच हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं तो जनता का रुख रुझान क्या है? जनता को प्रेरित भी करते हैं कि जब ऐसा संदेश पहुंचता है तो जनता वोट देने के लिए भी प्रेरित होती है, और हम अपने क्रियाकलापों को जनता के बीच जो रखते हैं वह प्रेस के माध्यम से लोगों के बीच कि हमारे यहाँ कौन कौन हमारे स्टार प्रचारक का है, कौन नेता है, आज भी नेता आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद गृह मंत्रालय संभालने के बाद देश हित में एक से एक काम किए, और जिसका चाहे वह 370 धारा हो, 35A हो, चाहे 3 तलाक बिल हो, नागरिकता का कानून हो, ऐसे कानूनों को देश हित में यहाँ के लोगों के हित में जो बना है वह जनता के बीच रखने के लिए आ रहे। भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आज चंदन क्यारी आ रहे हैं। वे भारत सरकार ने किस तरह से हमारी सेना ने बहादुरी के साथ चीन का मुकाबला किया है, चीन के हैकरी बंद किया है, चीन की हरकत बंद किया है, और पाकिस्तान उनके भी हरकत को स्थिर करने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारे केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार भी काम करती है, और एक पार्टी की सरकार रहने के कारण जो हमारे प्रधानमंत्री जी योजनाओं को शुरुआत कर रहे हैं उसका क्रियान्वयन इस राज्य में झारखंड में सबसे पहल लेकर और तेजी से हो रहा है, और उसके अनुरूप आगे भी 3-4 उदाहरण दूंगा। वहीं इस प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, मीडिया प्रभारी मिल्टन पार्थ सारथी सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे।